छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2,20,000 रुपए की कीमत के गांजा के पौधों सहित एक व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अपराधों पर नियंत्रण, अवैध कार्यों एवं नशे के कारोबार कर रहे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके चलते पुलिस के द्वारा नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। नशे के विरुद्ध एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति से 2,20,000 रुपए की कीमत के 44 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के 30 नग पौधे बरामद किए गए हैं। यहां आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर काबू किया है। ग्राम मकनपुर सरनापारा के रहने वाले सैनाथ पैंकरा ने अपने खेत में अवैध रूप से मादक पदार्थ लगाए हुए थे, जिस पर एसडीओपी प्रतापपुर मंजुलता बाज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी विकेश तिवारी पुलिस टीम के साथ ग्राम मकनपुर सरनापारा में आरोपी के आवास पर पहुंचे। आरोपी के कब्जे से 30 नग मादक पदार्थ गांजा के पौधे बरामद किए गए, जिसकी कीमत 2,20,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजपुर से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।